पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बुलडोजर मंगलवार को बाहर निकला और गुरुवार शाम होते होते उस पर ब्रेक लग गया, लेकिन इन 72 घंटों में बंगाल में सियासी बवाल मच गया। ममता दीदी का यह बुलडोजर किस ओर बढ़ा, धर्म देखकर एक्शन लेने के आरोपों का सच क्या है, क्या वाकई में सेट टारगेट के तहत एक्शन लिया जा रहा है, ममता दीदी के बुलडोजर की जद में क्या क्या आया, क्या गिरा दिया, क्या गिराना था जो छोड़ दिया गया और क्या जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। क्या ममता का बुलडोजर धर्म, पार्टी, वोट देखकर चलता है? क्या पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है? पहले हिंदू लोग को उठा रहा है, उसका बाद रोहिंग्या को बैठाएगा, इसका मतलब दूसरा है, डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। पश्चिम बंगाल में एक्शन का कट मनी कनेक्शन क्या है? दो दिन तक कोलकाता में फुटपाथ पर ममता सरकार का बुलडोजर चला तो सियासी बवाल मच गया। और तीसरे दिन ये बुलडोजर रुका तो भी सवाल खड़े हो गए हैं। घुसपैठी लोग वहीं पर रहेंगे और जितना तोड़ा अभी तक सारे हिंदू लोगों का तोड़ा, क्यों ऐसा होगा? पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच वोट की लड़ाई फुटपाथ और इंच इंच जमीन तक पहुंच गई है। सियासी बवाल मच गया है जिसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पहले ममता का बुलडोजर एक्शन देख लीजिए। हेलो, दीदी ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए और मंगलवार की सुबह सड़क किनारे से झुग्गी झोपड़ी रेहड़ी हटाई जाने लगी। ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में भी जमकर बुलडोजर चला। तारातला इलाके में बना बीजेपी का दफ्तर भी तोड़ दिया गया तो खूब हंगामा मचा। फुटपाथ पर एक्शन को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अतिक्रमण हटाने के बहाने ममता सरकार रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश रच रही है, डेमोग्राफी चेंज करने का प्लान बना रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सरकार उन वार्ड्स को टारगेट कर रही है जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लीड मिली है, यानी ममता बनर्जी की पार्टी पिछड़ गई है। उन इलाकों को विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है जहां हिंदू आबादी ज्यादा है, जबकि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से कार्रवाई दूर रखी जा रही है। उन रेहड़ी वालों को टारगेट किया जा रहा है जो हिंदी भाषी हैं, यानी जो ममता बनर्जी के वोटर नहीं माने जाते हैं। नहीं नहीं, बुलडोजर चलने की कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी जमीन इलीगली अनऑथराइज ऑक्यूपायर से रिकवरी सरकार करेगा, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन वो जो कर रहा है वो गरीब हकार लोग को उच्छेद कर रहा है, एविक्शन कर रहा है, खास करके हिंदू हकार को। आज जो एरिया में बीजेपी को लीड हुआ है, कलकत्ता का 50 से ज्यादा वार्ड में बीजेपी को लीड हुआ है और 69 म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी का भारी वोट मिला है अर्बन एरिया में। ये पूरा राजनीति से प्रेरित है और यहाँ पहले हिंदू लोग को उठा रहा है, उसका बाद रोहिंग्या को बैठाएगा, इसका मतलब दूसरा है, डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। बीजेपी के इन आरोपों के पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ममता के एक्शन पर संदेह का साया क्यों है ये जान लीजिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ का भी बुलडोजर चलता है तो राजस्थान में भजनलाल सरकार का भी बुलडोजर गरजता है और पश्चिम बंगाल में ममता का भी। तीनों बुलडोजर एक्शन में अंतर क्या है ये जान लीजिए, फिर पश्चिम बंगाल में बुलडोजर पर मचा बवाल आपको समझ में आ जाएगा। यूपी में हर एक्शन से पहले योगी की सरकार नोटिस जारी करती है, बड़े से बड़े अपराधी को भी एक मौका देती है अपना पक्ष रखने का। सेम पैटर्न भरतपुर में भी भजनलाल सरकार ने अपनाया, माफिया पर कार्रवाई से पहले नोटिस दिया और मौका भी। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने
कोलकाता में बिना किसी नोटिस के सीधा बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार रात ममता बनर्जी का आदेश मिलते ही कोलकाता की सड़कों पर पुलिस निकल पड़ी। रात को ही माइक से अतिक्रमण हटाने की मुनादी हुई। इससे पहले कि सड़क किनारे बसे लोग कुछ सोच पाते, समझ पाते, कर पाते, मंगलवार की सुबह बुलडोजर गरजने लगा। सड़क किनारे बसे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। फुटपाथ पर जिन इलाकों में बुलडोजर एक्शन हुआ है वहां हिंदी बोलने वाले यानी गैर बंगाली ज्यादा हैं, जो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं और इसीलिए ही इन्हें टारगेट किया गया है। इन्होंने जो काम कर रहा है उसमें सिर्फ हिंदू को हानि पहुंचाने का काम कर रहा है। अभी इतना सारे हॉकर को हटा रहा है, लेकिन राजा बाजार में क्या हुआ, खिजिरपुर मेटियापुर में क्या हुआ, धर्मतला में क्या हुआ? वहीं पर तृणमूल कांग्रेस का नजदीक लोगों का हकार यह है, कारण वो लोग मुसलमान है, उसको तोड़ नहीं रहा। जो धर्मतला मेन, जो सिटी का मेन है, राजधानी है, उसमें कब्जा है जो बाहर से जो आया है घुसपैठी लोगों का, घुसपैठी लोग वहीं पर रहेंगे और जितना तोड़ा अभी तक सारे हिंदू लोगों का तोड़ा। देखिए, पहली बात तो ये है, ये पूरा डिस्टॉर्टेड कैंपेन है भाजपा का, क्योंकि ये जात पात धर्म के ऊपर नहीं हो रहा है। ये जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ स्टेप्स लिया वो सब एरिया में वो हो रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ पर हो रहा है, वहां पर नहीं हो रहा है। पहले तो भाजपा को ये क्लैरिफिकेशन देना होगा, जब स्टेशन में, हावड़ा स्टेशन में, शियालदा स्टेशन में और स्टेशन में वो हकार हटाओ जब रेलवे कर रहे थे, तब ये भाजपा वालों किधर थे? दो दिन तक पहले बुलडोजर का ऑर्डर देने वाली ममता आज मीडिया के सामने आई। पहले रेहड़ी वालों के लिए हमदर्दी दिखाई, फिर बुलडोजर एक्शन पर एक महीने का ब्रेक लगाया और बीजेपी पर वसूली के आरोप। लोप कोड़ा भालो नय, लोप सम्बरण करुन। एक्षेत्रे लोकल जारा आछे नेता पुलिस तारा सबचेये बेशी दायी। प्रथमे बसाच्छेन, तारपरे गिये बुलडोजार दिये उच्छेद करते जाबेन। आमी एई पलिसिटाके मानी ना। आमी जे पलिसिटा मानी, प्रथम थेकेई रेस्ट्रिक्शन करते हबे। जे काउंसिलर एलाकाय एटा चलबे सेई काउंसिलर अरेस्ट हबे। যে নেতার এলাকায় চলবে, ডাবগ্রামে দেখেছেন, আমি জেলা প্রেসিডেন্টকে অ্যারেস্ট করিয়ে দিয়েছি। লোকাল স্মাগলাররা, ল্যান্ড মাফিয়ারা, স্যান্ড মাফিয়ারা, তারা এটা করে খাচ্ছে। আমি কেন এর জন্য বদনাম নেব বলে বেড়াচ্ছে? যারা করে খাচ্ছে তারাই কিন্তু বদনামটা করছে, তার কারণ তারা কিন্তু বাহাতে নিচ্ছে, ডান হাতে টাকাটা বিজেপিকে দিচ্ছে। আমার পার্টি টাকা চাই না। जो तोलाबाजी कर रहा है पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस छोड़ के तोलाबाजी करने का किसी का हिम्मत ही नहीं है। सारे तो तोलाबाज तृणमूल कांग्रेस में हैं।